लोगों ने 20 साल पहले पानी की फैक्ट्रियां डालनी शुरू की और आज 5 रुपए का ये पानी मार्केट में कितने का मिलता है सर? यानी जो लोग भविष्य को देखना जानते हैं ना, वो लोग पानी बेच के करोड़पति बने हैं, हाँ या ना साहब? उसको विजन कहते हैं सर। आज हमारे देश में कितने लोगों को लगता है जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है? बेरोजगारी, महंगाई, तो आरसीएम बिजनेस की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी सर? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, रहेगी 100%। दूसरा होता है सर, किसी भी काम को टॉप पे ले जाने के लिए काम कैसे करें? मिशन यानी गोल बना के, टारगेट बना के, लक्ष्य बना के। अगर आपका मिशन नहीं होगा ना, तो भूख सर्दी है ना आपको परेशान करेगी सर। अच्छा, भगत सिंह आजाद को अंग्रेजों ने कहा था, अगर तुम ये आजादी की गठ छोड़ देता है तो तेरे को फांसी से छोड़ देंगे। तो भगत सिंह ने क्या बोला? उसने कहा, सर आपको लगता है ये मेरी जीत है या मेरे जीवन से बड़ी है? मेरा जीवन इससे बड़ा है, मैं 100 जन्म फांसी पे जाऊं तब भी मुझे आजादी चाहिए। इसको मिशन कहते हैं सर। आरसीएम बिजनेस में है ना सर, दो तरह के लोग काम करते हैं सर, एक कमीशन वाले, एक मिशन वाले। सर कमीशन वाले लोग गुरुजी बोलेंगे, थोड़ा सा माहौल विपरीत होते छोड़ देंगे सर, लेकिन मिशन वाले लोग लाइफ टाइम तक आपका साथ देंगे, हाँ या ना साहब? इसीलिए कितने लोग आज वादा करते हैं मिशन बना के काम करेंगे सर, मिशन बना के सर। थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं सर। भारत सरकार ने सर डायरेक्ट सेलिंग पहले जो शब्द लिखा था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग की जगह कौन सा शब्द लिख दिया सर? नेटवर्क मार्केटिंग। कौन सा लिख दिया सर? ताली बजा लीजिए, भारत सरकार इसको लीगल कर दिया है सर। जिस तरह से डॉक्टरी की डिग्री होती है, वकील की डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, आने वाले 10 साल बाद आपको बहुत सारे MLM के डिग्री होल्डर मिलेंगे, तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा सर? 20 साल बाद कोई बाप अपनी बच्ची के लिए कलेक्टर नहीं ढूंढेगा, आरसीएम का डायमंड ढूंढेगा। हेलो, जहां पे सारी चीजें एक साथ होगी सर। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये बहुत बड़ी संभावनाओं का व्यापार है सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है सर। इधर एक लाइन लिखी हुई है, जोर से बोलना। एक बुक आती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मुझे BCG ने दी थी, मैं रात को पढ़ रहा था, ये लाइन आई, मैं एकदम उठ गया। मैंने BCG को फोन किया, मैंने कहा सर इस किताब में एक लाइन गलत लिखी हुई है। कहते क्या? मैंने कहा सर इसमें लिखा हुआ है जो सोच सकता है वह। BCG ने कहा नहीं नहीं ये लाइन बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर ये लाइन सही है तो महावीर सारण अपनी लाइफ को चेंज कर देगा। सोचने से कामयाबी मिले तो छोटा सोचे या बड़ा? कितने लोग आज वादा करते हैं बड़ा सोचेंगे सर? बड़ा मतलब गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब परिवार की पोजीशन को चेंज करना। मेरे से पहले 10 पीढ़ियां गरीबी में बीती है और मैं आज स्टेज से वादा करता हूं मेरे आने वाली 10 पीढ़ियां जिंदगी अमीरी में बिताएगी सर, मैं गेम चेंजर बनूंगा सर। एक ट्रेन होती है, उसमें 3 डिब्बे होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है स्लीपर, एक होता है AC। तीनों डब्बे पिपरिया से मुंबई जाते हैं और तीनों में यात्री मुंबई पहुंचते हैं। पर सर लोकल वाला उतरता है ना, ऐसे पसीना पूंछ के उतरता है, उतरते घर पे फोन करता है जिंदा पहुंच गया। स्लीपर वाला उतर के थोड़ा कहता है हाँ मैं ठीक से पहुंच गया हूं मैडम। AC वाला उतरता है ना, ऐसे कोट काट हिला के उतरता है गर्व के साथ कि मैं गेम चेंजर हूं, हाँ या ना साहब? जिंदगी अगर मौका दे तो कितने लोगों को लगता है अपनी क्लास को चेंज करना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर, मौका आपके पास में है ना। तो कोई लिमिट नहीं है सर, अनलिमिटेड है सर। नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं इंफिनिटी का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मैं जितना बता रहा हूं उतना ही आसान थोड़ी है सर, मैंने जितना महसूस किया उतना बता रहा हूं, हाँ या ना सर? सुरेंद्र भट्ट साहब आएंगे, वो डायमंड है, मेरे से ज्यादा जानकारी है या कम है सर? तो जितना सुरेंद्र भट्ट बता रहे हैं क्या उतना ही आरसीएम है? नहीं नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग को चलते हुए वर्ल्ड में लगभग 90 साल हो गए सर। कितने साल? इन 90 सालों के अंदर जो लोग इसमें सबसे पहले आए थे ना, आज वो अथाह दौलत के मालिक है सर। वॉरेन बफेट का नाम सुना है? 7 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मालिक है सर। कितने का? 7। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मालिक है सर। और वो ये बोलते हैं कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग काम की तलाश करते हैं। तो अगर अपने को अमीरी चाहिए तो कितने लोगों को लगता है बड़ा नेटवर्क बनाना है सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, बड़ा नेटवर्क बनाना है। इसके बाद मिला इंफिनिटी का बिजनेस है सर। 3 तरह के लोग आप आरसीएम में मिलेंगे। कितनी तरह के सर? 3। पहले लोग मिलेंगे 100% इच्छा रखने वाले कि बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। इच्छा रखने वाले कितने लोग सर? निर्णय कितने लोग लेंगे सर? और सर कुछ भी हो जाए बड़ी कामयाबी पे जाने वाले कितने हैं सर? अपनी कौन सी कैटेगरी में है? 100, 50 या 5 में सर? कितने लोग वादा करते हैं 5% में है, कुछ भी हो जाए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर, निश्चय लेके बजाइए। ओके, थोड़ा और आगे चलता हूं सर। सफलता के रास्ते में 4 तरह के चरण आएंगे सर, अलग अलग चरणों में लोग रुक जाते हैं, इसीलिए बता रहा हूं बहुत जरूरी है। सफलता का पहला चरण आता है सर, उस चरण को क्या बोलते हैं सर?
50% लोग छोड़ देते हैं आरसीएम, और मजाक करने वाला बंदा बाहर का नहीं होता है, परिवार का ही होता है। आया ना साहब, बड़े प्यार से मजाक करेंगे वो लोग आपके साथ, है ना। दूसरा है सफलता का चरण सर, उसमें लगभग 70% लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, वो कौन सा है सर? विरोध करने वाले के दो चेहरे होते हैं सर, सामने तो ऐसा और पीछे ये कमजोर जगह पे आपकी वार करेगा, ये आपके बच्चे को पूछेगा कि तेरे पापा साबुन तेल घिस रहे हैं या बंद कर दिया, है ना, बच्चे को बुरा लगेगा। पत्नी को फोन करके पूछेगा भाई साहब घर पे हैं क्या, उसको पता है भाई साहब मीटिंग में गए हुए हैं, फोन करके पूछेगा रात के 11 बजे तक नहीं आए, बहन जी भाई साहब पे ध्यान रखो, आप बिजनेस ही कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, सुबह छोड़ के जाओगे सूरजमुखी, शाम को वापस आओगे ज्वालामुखी, मिले तो समझ जाना विरोध करने वाला कोई पहुंच गया है सर। आया ना साहब, 70% लोग इधर नाराज छोड़ देते हैं बिजनेस सर। और तीसरा सफलता का चरण आता है, इसको कहते हैं तिरस्कार। क्या कहते हैं सर? ऐसे लोग आपकी मजाक करेंगे सर जिन्होंने जिंदगी में अपने पैसे की नई चप्पल नहीं खरीदी है सर, वो आपको राय देंगे सर। कोई डॉक्टर मजाक नहीं करेगा, कोई कलेक्टर विरोध नहीं करेगा, कोई आईपीएस मजाक नहीं करेगा, मजाक करेगा गली का चंपाला, उस पर ध्यान देना चाहिए या काम करना चाहिए, है ना। अच्छा मजाक भी कैसे करेंगे पता है, शादी में कार्ड नहीं देंगे, अरे उसको क्या देना है, साबुन तेल बेच रहा है, दोस्तों में परिचय करवाएगा आजकल ये साबुन तेल बेच रहा है। तिरस्कार की वजह से 80% लोग आरसीएम को नहीं करते, उनको लगता छोड़ो यार नौकरी कर लेते हैं। आया ना साहब, लोगों से डर के छोड़ देते हैं। और इसके बाद सर अगला पड़ा पायदान आता है चौथा चरण, और वो होता है सहयोग और साथ। ताली जोरदार बजाएं, 5% लोग नहीं हैं। अगर आप आज इस हॉल में बैठे हो तो ताली जोरदार बजा दीजिए, आपकी अपलाइन में आपको सहयोग मिला इधर तक आने के लिए, है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेता हूं सर, चार तरह का माहौल बहुत पॉजिटिव जरूरत है सर। अगर आप टॉप लेवल पे, कितने लोग टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं सर? चार तरह का माहौल बनाना पड़ेगा सर। सबसे पहला माहौल आपके परिवार में पॉजिटिव होना चाहिए सर। अगर आपकी पत्नी बिजनेस में एक्टिव नहीं है आपके साथ, तो मुझे माफ करना, सफलता बहुत लेट मिलेगी सर। दुनिया का कितना भी तुर्रम खान इंसान हो सर, घर पे जाते ही शेरनी के आगे सरेंडर हो जाता है। मैं इधर से कितनी भी हवा भरूं सर, मैडम घर पे जाते पूछे कि कहां गया था मीटिंग, वो क्या की मीटिंग है, तेरे को बोला था ना काम कर ढंग से, कोई सारी हवा निकल जाएगी एक मिनट में सर। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो कपल से जो करते हैं जल्दी हो जाते हैं सफल। मेरी कामयाबी में 90% रोल मेरी पत्नी का है, जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं सर। राजेंद्र यादव जी की कामयाबी का 90% रोल है कि इनकी पत्नी इनके साथ काम करती है। कितने लोग आज इस मीटिंग में जोड़े से हैं सर? जोड़े से सर, राज की बात बता रहा हूं सर। ड्रीमर ज्यादा आदमी होता है या औरत होती है? ड्रीमर ज्यादा औरत होती है। सहनशील ज्यादा कौन होता है? औरत। मल्टीटास्किंग कौन होता है? औरत। एक ही समय में खाना बना रही है, फोन पे बात कर रही है, बच्चे को काम बता रही है। आदमी एक ही काम कर रहा है, कोई दूसरा काम पूछ ले, दिख नहीं रहा क्या पानी भर रहा हूं? अरे पानी हाथ से भर रहा है, बोल के बता दे कुछ पूछना ना, ना। एक सिंगल टास्क होता है, औरत मल्टीटास्किंग होती है सर। कई बार इस कामयाबी की यात्रा में मेरे को लगा आरसीएम नहीं चलेगा, छोड़ते हैं आरसीएम, तो मेरी पत्नी बढ़िया से एक मलाई मार के चाय लाती, मेरे पास रख के मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलती, सर जी मैं जिंदगी में किसी नाकामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद नहीं करती, मैं कामयाब आदमी की बनना पसंद करती हूँ। और मुझे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप नेशनल लीडर बन सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में जिस आदमी के पीछे औरत खड़ी हो, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकता सर। इसीलिए मैडम को शामिल करिए। और इस बिजनेस में दो लोगों को समझाना ही सबसे मुश्किल काम है सर, पहला आपका भाई और दूसरी आपकी दुआई। ये दो सीख गए ना, फिर दुनिया का कोई आदमी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ताली जोर से बजाइए सर, यही काम। और मैं दुनिया का वो भाग्यशाली इंसान हूं सर, जिसकी अपलाइन में भाई और डाउनलाइन में लुगाई है, मेरा तो कामयाब होना बनता था, है ना। देखिए आप कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, ये यादव जी है ना फर्स्ट क्लास अधिकारी है, मेरी गारंटी अकेले में लेके पूछ लेना। एक दो बार तो मैडम ने इनको बोल ही दिया होगा, आप बंधु हैं, आपको कोई भी मूर्ख बना देता है। हर दुनिया की औरत को लगता है मेरा आदमी पेंचर है, और हर आदमी को लगता है मेरे को जो मिली है वो दुनिया की सबसे दिमाग वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है सर। बिजनेस में सबसे पहला माहौल कहां बनाना है पॉजिटिव सर? परिवार में सर। मेरा बच्चा ज्वाइनिंग करवाता है आज, मैं बोलता हूं अरे भाई तू पढ़ क्यों करवा रहा है ज्वाइनिंग, कहता है वो मेरे सर ने पूछ लिया कि तेरे पापा क्या करते हैं, मैंने बता दिया, उसने फार्म कर दिया, मैं क्या करूं।
मेरी बिटिया ज्वाइन करवा रही है सर। परिवार में जब ये बिजनेस आदतों में शामिल हो जाएगा तब करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। हाँ या ना साहब? जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तब हाथ छोड़ के कितने लोग चला सकते हैं सर? ताली जोरदार होता है, आदतों में शामिल हो गया ना भाई, आदतों में है ना। दूसरा माहौल कहाँ बनाना है सर? दूसरा माहौल आपके शहर में बनाना है सर। आज आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया है, उसके लिए ताली बजाइए सर। मेरा तो बेहतर हजार का चेक था, तो मैंने बीसी जी को कहा सर बड़ा पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए। तो बीसी जी ने कहा क्यों? मैंने कहा सर 5 फीट के गड्ढे 500 जगह खोदे पानी नहीं निकलेगा, एक जगह पर 500 फीट का गड्ढा खोदने बताएं क्या करें? तो कहता है आपके शहर में एक बड़ा प्रोग्राम कर दो। मैंने कहा सर बड़ा कितना? कहते जितना कर सकते हो। तो सर हमने गंगानगर में 12,000 लोगों का प्रोग्राम किया था सर। कितने का सर? 12,000। मेरा 72,000 का चेक था सर, सीधा ही चेक चला गया 2,10,000 पे सर। एक प्रोग्राम से 65 नई रोल्टियां निकली थी, 22 नए टेक्निकल निकले थे। पिपरिया में जिस दिन आपने ओपन में 10,000 लोगों का प्रोग्राम करवा दिया, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सारे टेक्निकल बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। बड़ा प्रोग्राम। गंगानगर के प्रोग्राम में ना पूरी कंपनी में लोग बोल रहे थे, अरे राधा राम जी का एक भाई है, धमाल मचा दिया उसने। कलेक्टर ज्वाइन हो गया, एसडीएम ज्वाइन हो गया, तहसीलदार जी ज्वाइन हो गए, पूरा प्रशासन। अच्छा मंत्री हमें बुलाते थे घर पे, अरे भाई इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, टिकट भी लिया तुमने, हम तो फ्री में बस भेजते हैं, लोग नहीं आते, बता कैसे लाया? सर जब आप बड़ा काम करोगे तो बड़े लोगों से जान पहचान हो जाएगी। हाँ या ना साहब? ताली जोरदार। बड़ा प्रोग्राम सर है। और तीसरा होता है सर आपकी टीम में माहौल अच्छा होना चाहिए सर। हमारा जब बिजनेस बढ़ेगा ना तो कई लोग थोड़े तिरछे चलने वाले होंगे, कई विरोध करने वाले हो जाएंगे, कई अलग तरह के हो जाएंगे। टीम में माहौल कैसे पॉजिटिव रहेगा? आप ट्रेनिंग करवाइए हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। अलग अलग जाति के लोग आते हैं, धर्म के लोग आते हैं, मजहब के लोग आते हैं, हर आदमी का बचपन अलग तरीके से बीतता है, कोई सहयोग करने वाला, कोई टांग खींचने वाला है। हाँ या ना साहब? लेकिन जब ट्रेनिंग करोगे तो सारी चीजें एक साथ हो जाएगी, तो ट्रेनिंग करिए। और लास्ट का माहौल सर सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनाइए सर आपके भीतर। अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स कामयाब हो सकते हैं, राधाराम सारंग कामयाब हो सकते हैं, कितने लोगों को लगता है हम भी कामयाब हो सकते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, 100% कामयाबी आपको मिल सकती है सर। और एक लीडर